Good afternoon, everybody. Please connect to the session. Good afternoon, everybody. Please connect to the session. Good afternoon, everybody. Shama chawange, thoda ja delay ho gaya. Actually, I am on the way. That's why thoda ja delay ho gaya. Good afternoon, everybody. Please connect to the session. बच्चे आवाज सुन पा रहे हो मेरी वधिया वधिया मैं वधिया तुसी दसो किवें हो सारे जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ सारे जाने गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी सारे जाने कनेक्ट हो जाओ वधिया प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो वीडियो नू लाइक कर दो ते शेयर कर दो आपदे व्हाट्सएप स्टेटस ते मैनू इजाजत दिओ सैशन शुरू करन दी कैन वी स्टार्ट द सैशन गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल बच्चे सत श्री अकाल हाँ क्यूट अहाना ठीक है गुड आफ्टरनून हेलो हेलो सत श्री अकाल बच्चे सत श्री अकाल वधिया मैं भी वधिया पेपर बच्चे विद इन टू मंथ्स तुसी यही समझो थोड़े कोले महीना है ठीक है तुसी यही समझो थोड़े कोले महीना है सेशन स्टार्ट करा स्टार्ट करने की इजाजत दे दो सत श्री अकाल बच्चे स्टार्ट करने की इजाजत दे दो मैनू करा शुरू मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल बड़ा ध्यान ना पढ़ना है मैं वधिया बच्चे आई एम फाइन तुसी दसो किवें हो पहला सवाल पढ़ना बड़े ध्यान ना कहिंदे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरिज्म वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम पाठक्रम का निर्माण करते समय इन्हां विचों केड़ी व्यवहार केड़ा व्यवहार की सब तो वधिया उदाहरण है ये उदाहरण दसनी है सब तो वधिया केड़ी है ठीक है जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जा करो अज तो चलो मैं लेट हो गया तुसी नहीं लेट होना हाँ लेट हो गया बच्चे क्षमा चाहना मैं बिकॉज आई एम ऑन द वे ट्रैफिक करके लेट हो गया दियो जी जवाब कोई गल नहीं मैं कहना पेपर जो तो मर्जी हो आप तैयारी नहीं छड़नी ठीक है बस तुसी ये सोचना सी तैयारी करनी है आपां आपदे लई करनी है किसे पिछे नहीं करनी तो टेंशन नहीं लैनी पहले सवाल का जवाब देना जी ध्यान ना पढ़ो तो सवाल का जवाब दो सत श्री अकाल सिमरन बच्चे सत श्री अकाल सारे जने ने देना जवाब थोड़ी जी हो बस ओके हाँ विजिबल ए ए ए तुक्का ए तुक्का कोई गल नहीं सारे जने ने जवाब देना पहला मैं नाम ही पढ़ रहा सारे जने दे कोई रहना नहीं चाहिए ये जलालाबाद वाले जेडे नहीं आ रहे ना मैनू सब का पता है जेडे नहीं आ रहे बलप्रीत बच्चे न्यू स्टूडेंट तो बच्चे इहदा जवाब की है इहदा जवाब है जी ऑप्शन ए लर्निंग शुड अकर वैन लर्नर शो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिहड़ा ऑप्शन बी है ना जिन्होंने दिता कहिंदे लर्निंग शुड अकर इन ए रियलिस्टिक सैटिंग वो गल तो सही है
पर ये करिकुलम दी उदाहरण नहीं ना, असी तो करिकुलम दी उदाहरण देनी है। करिकुलम का मतलब की होंगे कि जो जिमें जिमें असी सिखा रहे उवे उवे बच्चा की है बिहेवियर शो कर रहा है। नर्सरी वाले बच्चे असी सिर्फ अल्फाबैट्स दसांगे किहड़े किहड़े है, जिमें जिमें क्लास वधूगी उवे उवे उहदा कंटेंट भी वधूगा, कंटेंट की डिफिकल्टी भी वधूगी। तो यह करिकुलम का हिस्सा होंगे। रियलिस्टिक गल यह गल हो रही है भी हाँ सीखना एक रियलिस्टिक का पार्ट है, बट यह करिकुलम का पार्ट नहीं हो सकता। कई बच्चे ने जवाब दिता ऑप्शन डी, कहते लर्निंग शुड अकर वैन इंडिपेंडेंट लर्निंग इज असिस्टेड। यार ऐ थोड़ी होंगे इंडिपेंडेंट, हुण कल्ले बच्चे नूं सिखावां फिर ही सीखूगा, जिन्हें सीखना उन्हें सीख ही लेना है। ठीक है, जिन्हें सीखना उन्हें सीख ही लेना है। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। ओके, हुण वापस बुलाओ फिर। इसे करके दा जवाब की ऑप्शन ए। सिचुएशन नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ना, अजकल इहो जिहे सवाल आउंदे ने, तुसीं पेपर दे के आए हो तुहानूं पता है वह सिचुएशन ऐसी दिंदा है। ठीक है, राजविंदर जी वेलकम टू द क्लास। बच्चे सुखवीर वेलकम टू द क्लास। चहल साहब, ये चहल तो सारे मानसे वाले होंगे। चलो अगे चलते हैं, बड़ा सोहना सवाल है, सौखा जहा सवाल है, जवाब देना है। मैं गुड आफ्टरनून, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्यूरी। मॉडर्न लर्निंग थ्यूरी का पितामा कौन है? ये पितामा दसने जी कौन है? ठीक है, उसे एनर्जी ना, उसे जनून ना, उसे एंथुसियाजम ना जवाब देने हैं। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, जोश ना बैठा करो। अजे तक क्लास कि दूजी क्लास है, कल टीचर बनना है, नहीं पता बच्चों सारी देनी पढ़ा पै जे। ठीक है, तो जोश ना बैना। हाँ सैभ सिंह जी थोड़ा भी नाम लै लें। वॉटसन वॉटसन, ओके। हाँ बंदे का नाम लिखा करो, ज्यादा पता लगता है। स्टडी मटीरियल, स्टडी मटीरियल थोनों मिल जूगा, थोनों ऑफिशियल नंबर दसिया उहदे ते कॉल करो, थोनों पता लग जूगा। सोच समझ के जवाब दे रहे हो कि तुक्का ला रहे हो? लर्निंग थ्योरी का फादर पूछा है। हाँ करमप्रीत बच्चे, ठीक है वो बच्चे, यदा जवाब इवान पैवलव है, ऑप्शन डी है जी यदा जवाब। की हो गया आपां नूं? बच्चे ऐप ते नहीं होगा ये, थोनू कॉल करके थोनू स्टडी मटीरियल मिल जूगा। मिनिमम जी कॉस्ट है कोई बाली नहीं, आई थिंक 199 कॉस्ट है। 200 रुपए च थोनू सारे ही पीडीएफ मिल जाएगियां जेडे हुण तक दे सैशन होए। वो बच्चे पैवलव है, इवान पैवलव मॉडर्न, जेड़ा फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। की हो गया थोनू? ऑप्शन डी है आंसर। सैटरडे याद रखियो, सैटरडे मैं सारे फादर्स करवाऊंगा जेडे रिलेटेड टू की ने साइकोलॉजी ने, जेडे रिलेटेड टू की है साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ एलिमिनेशन मैथड। अच्छा नहीं नहीं आए नहीं बच्चे, जेडे फादर ने ना ये तो बच्चे मैं थोनू कहां क्रैम ही करना पैना। मैं की कहता सी हुण ये नहीं समझ आया चैट चों। हाँ जी परफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। चलो देखो मेरी एक गल नहीं समझे तुसी, मैं थोनू अज एक दसदा जेड़ा एमसीक्यूज ने वो यूट्यूब ते फ्री ऑफ कॉस्ट ने, बट यही एमसीक्यूज दी जे तुसी पीडीएफ लेना चाहते हो वो पीडीएफ एक बुकलैट की फॉर्म च मिलेगी थोनू। वो बुकलैट लई थोनू 199 पे करने पैणगे, फिर थोनू पीडीएफ मिल जूगी। ठीक है,
सैटरडे क्लास नहीं होंगी वो क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होंगे ऐतकी मैं थोनू कह रहा मैं अवेलेबल होऊंगा तो थोनू क्लास भी लगूगी ठीक है यार पी एस टैट वन नहीं होना चाहिए मेरा मानना है क्योंकि बच्चे ने बड़ी मेहनत ना पेपर दिता दोबारा क्यों लैन ठीक है जी गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून जिन्होंने हजे तक चैनल हजे तक वीडियो नू लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं किया वेख लो फिर मेरे लिए इन्ना नहीं कर सकते चलो अगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पोंस थ्योरी स्टिमुलस रिस्पोंस यानी कि उत्तेजना लई उत्तेजना की प्रक्रिया लई जिहड़ी थ्योरी सी वह किने दित्ती ठीक है ये दसना जी तुसी बच्चे बहुत सारे एफर्ट्स पुटअप करने पैंदे जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आप ठीक है थोड़ा पी डी एफ तैयार करके देंगे वो बायलिंगुअल पी डी एफ होगी बहुत कुछ करना पैंदा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके चलो जी दियो जी जवाब सत श्रीकाल बच्चे हाँ दियो 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 जवाब थॉर्नडाइक स्किनर सोच के देना हुण भी जवाब एरिक्सन डिसाइडेड थ्यूरी भी एरिक्सन की भी गल करांगे बच्चे थॉर्नडाइक एक्चुअली की होया जो मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन कराने शुरू किए ना मैं क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक वाइज कराने शुरू किए थे कुछ बच्चे कहते कि नहीं सर ये क्वेश्चन थोड़े जे ईजी आ जाते हैं मैनू तो तुम जाय जा हुक्म करोगे वह जहाँ काम करा ठीक है मैनू कहोगे मैं टॉपिक वाइज शुरू करा दूंगा जो थोड़ा पी एस टैट का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज शुरू करा लेंगे बच्चे यदा जवाब है जी थॉर्नडाइक जवाब की है थॉर्नडाइक ऑप्शन ए है जी यद आंसर ठीक है यदा जवाब की है थॉर्नडाइक कुछ समझ के जवाब लाना है स्टिमुलस रिस्पोंस थ्योरी किने दित्ती सीगी थॉर्नडाइक ठीक है जी अगले सवाल में वधदे हां जिन्होंने कोई होर जवाब दिता है कृपा करके एक बारी आपकी थ्योरी चो जो तुसी थ्योरी पढ़ी सीगी जो तुसी थ्योरी पढ़ी सी उन्हों एक बारी रिवाइंड जरूर करया करो जदों भी किसी सवाल का जवाब गलत हुंदा है ठीक है इट्स थॉर्नडाइक मैनू तो जिवें हुक्म करोगे रीमिक्स कहोगे तो रीमिक्स चलणगे ये कहोगे टॉपिक वाइज कराने टॉपिक वाइज करा देंगे ठीक है मैं ना आज जो वीडियो अपलोड हो जूगी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा जिहड़ी वीडियो दी वॉल ते कमेंट्स होगे जो मेजोरिटी कहूगी उहदे हिसाब नाल आपां शुरू कर देंगे चलो अगे आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी इन्हां विचों किहड़ा दृष्टिकोण रचनात्मक सिक्ख्या शास्त्र की उदाहरण दिंदा है सारे पॉइंट्स बड़े ध्यान नाल पढ़ने ने सारे पॉइंट्स ध्यान नाल पढ़ने ने बच्चे यही तो असी डिफरेंशिएट करना है यही तो असी डिफरेंशिएट करना है हुण देखो असी तीन बंदियां च कन्फ्यूज हो गए कि थॉर्नडाइक है स्किनर है पैवलव है यही तो असी वहम कढ़ने ने गुड आफ्टरनून बच्चे अच्छा एक बच्चे का जवाब आ गया शीतल जी कहिंदे ऑप्शन डी है चलो चैक कर दें थॉर्नडाइक स्टिमुलस की भी गल करता बच्चे ठीक है जोश ना जवाब दो यार नेरी लिया दो साइड हो जा लो जी साइड हो जाने इन्ने ना सरजू कि होर आवा यार हो गया हूँ मैं डी 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 सारे का ही डी है वेरी गुड बच्चे यदा जवाब है ऑप्शन डी अ टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद द कंटेंपरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट वेरी गुड यदा जवाब की है ऑप्शन डी अगे चलते हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਫਰੇਮ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਵਿਊਡ ਐਜ਼, ਰਚਨਾਤਮਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਫਰੇਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। सोच समझ के देना है जवाब। बी एक जाने का नवा आया जवाब, बी टी सी सी बी टी बच्चे का जवाब की है, जवाब है ऑप्शन सी, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। यदा जवाब की आऊगा ऑप्शन सी, जिन्होंने जवाब दिता सी बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम च असी सो कंस्ट्रक्टिविस्ट नजरिए असी सोच रहे हैं, ठीक है तो बिल्कुल सही है जी सी सी सारों। हाँ मिर्चा लग गई, ठीक है बिल्कुल सही बच्चे शाबाश। अगे चलते हैं, एक सिचुएशन दिती है, कहिंदे मोहन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद कंटेनर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प दैम लर्न द कंसैप्ट ऑफ वॉल्यूम। हुण देखो की वर्ड चकने, कंसैप्ट ऑफ की सिखाउणा चाहुंदा है वॉल्यूम। पर आ स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग वेस्ट डिस्पोजल अ मकैनिकल टास्क सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू डू द दीज मीनियल टास्क बोथ द टीचर्स आर एम्प्लॉइंग इन देयर क्लासरूम। देखो दो टीचर ने, एक मोहन है ते एक फरा है। मोहन उन्हां नूं सिखाउणा चाहुंदा है कंसैप्ट ऑफ वॉल्यूम ते फरा उन्हां नूं सिखाउणी चाहुंदी है वेस्ट डिस्पोजल। कहिंदे दोवें टीचर क्लास च की लैके आउणा चाहुंदे ने, की लैके आउणा चाहुंदे ने क्लास च दसो जी। Very good. दियो 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 जवाब सारे जाने। हाँ नहीं बच्चे ब्रूनर नहीं है फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो यह जवाब की ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है यह जवाब है ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म। असं उन्होंने की कर रहे हैं, डिवेलप कर रहे हैं उस चीज़, वो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्होंने सिखा रहे हैं, ठीक है इदा वो करे तो उन्होंने चीज़ की होजूगी इनबिल्ट होजूगी, इनबिल्ट होजूगी तो मतलब की गल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। साइंस की क्लास बच्चे मेरी साइंस की क्लास नहीं होंगी, ठीक है हाँ मैं साइंस टीच जरूर करदा पर मेरी साइंस की क्लास नहीं होंगी, ठीक है। एक बच्चे ने कहा फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म किनू कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म किनू कहा जाता है, ये फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म किनू कहा जाता है प्याजे, जीन प्याजे, ठीक है फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है जीन प्याजे।
आई होप जिन्होंने सवाल पूछा सी उन्होंने उन्होंने सवाल का जवाब मिल गया होना यार। बड़ा सोहना सवाल है, कहते लर्निंग थ्रू कोरसपोंडेंस। कोरसपोंडेंस होंगे जी ओपन लर्निंग करते आप, ओपन एजुकेशन। कहते जी ओपन एजुकेशन है वो पढ़ाई का किहड़ा तरीका है, सिक्ख्या का किहड़ा तरीका है, यह दसना है सिक्ख्या का किहड़ा तरीका है जी। दियो जी जवाब, सिक्ख्या का किहड़ा तरीका है। इंग्लिश की क्लास कदों लगती है? इंग्लिश की क्लास लगती ही नहीं। दियो जी जवाब, सारे जाने देंगे जवाब। बच्चे केड़ी एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है जी, केड़ी एजुकेशन है? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ये तो सीखने का जरिया, असीं भावें सारी उम्र सीखते रहिए उन्हूं कह देंदे लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, पर इत्थे उहदा मतलब नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन केड़ी हुंदी है? जिहड़ी सानूं पढ़ाई स्कूल च दित्ती जांदी है जां जिहड़ी कॉलेज च दित्ती जांदी है पर रैगूलर दित्ती जांदी है, जिहड़ी असीं रोज जाके क्लास लाउणे उहनूं की कह देंदे फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन केड़ी हुंदी? जिहड़ी असीं प्राइवेट तौर ते दिंदे आ, जे कोई टीचर घरे पढ़ा रहा तो इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। तो मैंने एक गल दसो, जो अकैडमी च पढ़ के सिक्ख्या ले रहे हो कि एजुकेशन है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? नॉन फॉर्मल होंगी है। नॉन फॉर्मल च करीकुलम जरूर फॉलो होंगे पर ये थोनू जान की लड़ नहीं होंगी। सीधा तुम पेपर देन जाना है, घरे बैठे नोट्स तो पढ़ लें, नोट्स थोड़ू घरे सेंड कर देंगे ने, ठीक है। बट एक क्राइटीरिया होंगे उन्होंने पेपर लैन का, सिलेबस का, थ्यूरी का, नोट्स का, ठीक है। इस करके जवाब की ऑप्शन डी, डी की है जी ये जवाब। जी तुम अकैडमी तो सिक्ख्या ले रहे हो यू कि पढ़ाई कहोगे? फॉर्मल कहोगे, इनफॉर्मल कहोगे, नॉन फॉर्मल कहोगे? दसो ओके। फॉर्मल होंदी है विद गाइडेंस, ओके। इनफॉर्मल होंदी है, फॉर्मल होंदी है विद गाइडेंस। बच्चे ए इनफॉर्मल होंदी है, इट्स नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन, ए इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल होंदी है, इहदे लई कोई सर्टिफिकेशन नहीं हैगी, कोई मान्यता नहीं होंदी, ठीक है। जिवें घरे पढ़ा लिया, अकैडमी पढ़ा लिया, सेम प्रोसैस होंदा है, इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। दो असी करीकुलम फॉलो करते हैं बट वो परसनल करीकुलम है, कोई बेंचमार्क करीकुलम नहीं होता, ठीक है। इस करके इनफॉर्मल एजुकेशन। चलो जी अगर वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई डी ए ए, आई डी ई ए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, आई डी ई ए की होंगे? गुड आफ्टरनून बच्चे, सत श्री अकाल जी, लेट हो गए, लेट हो गए, दियो जवाब मैनू। की फुल फॉर्म है जी आइडिया दी? डी 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 सारियां पढ़निया पहला फुल फॉर्म्स आ जांदियां पेपर च, उहदे लई पाउणा बड़ा वधिया है, ऑप्शन भी बड़ी वधिया है, थोड़ी जी चेंज करनी है उहदे च ही साडा गलत हो जाऊगा, जां तां सानूं सारा आउंदा होगा जां नहीं आउंदा होगा, क्योंकि जे सारा आउंदा होगा फिर ही असीं जवाब दे सकदे हां। दिओ जवाब,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਡੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੋਮਨ ਹੈ ਓ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਮੈਮ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੋਡ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਆਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੋਡ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਨਫੋਲਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕਲੂਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਪ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਹ ਖਾ ਲਓ ਪਬਜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਯਾਰ ਪਬਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਪਬਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਨੋਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਡੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਸੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਬਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਬਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਡੋ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਗੇ ਉਹ ਹੈਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਮਾਇੰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਬਜੀ ਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 80 ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੀ ਪਬਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨਲ ਵੇ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਸਮਵਨ ਕੁੱਡ ਬੀ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰ
जी असी नहीं खेडी पबजी, आंसर डी लाता। क्या बात है गुरदेव जी, तुसी तो फिर सिरा ही लाता, बिना पबजी खेडे जवाब लाता। ओह जस्ट ए मिनट, मैनू नहीं पता की होगा। रीडिंग बच्चे तुसी रीड नहीं कर सकते किसी नू, हुण किसी दे मतलब फेस ते लिखे नहीं होंदा, वो बंदा कह जाए। अच्छा सम अथॉरिटी, ओके कैंडी क्रश खेड दे हो की यार, जवाकां वाली गेम खेड दे हो, वधिया गेम खेडे करो। हाँ क्या बात है यार, बड़े सोहने जवाब आ रहे ने, ऐसे करके सवाल ना इंपॉर्टेंट लिख लो, वक्रे जवाब। कोई कहते रीडिंग लैक्चर सम अथॉरिटी, हमने समझा चंगी तरह, कई इंट्यूशन कही जाते ने। क्या बात है, चलो एक ना पंजाबी उदाहरण लेने फिर समझ दे इस गल। कहते किसी पढ़न का बड़ा वधिया तरीका, वो लैक्चर दे दो। जिमें मैं किसी जवाक से लैक्चर दे दा तो मैं वो बारे सारा कुछ पता लग जूगा, है ना, तो फिर ये तो गलत हो गया। रीडिंग तुसी सुनिया ना, कहिंदे कईयां दे मत्थे ते कुछ लिखिया हुंदा है, इत्थे कुछ लिखिया हुंदा फिर ही पढ़िया जा सकदा है, रीडिंग भी गलत हो गया। सम अथॉरिटी, हाँ जवाक दी मम्मी नूं पुछ सकदे हो कि थोड़ा जवाक कह जाए, पर एडी हिम्मत करूगा किहड़ा। ये भी फिर गया, रह गया कि इंट्यूशन। तुसी बड़ी बार कहने हो इस शब्द का इस्तेमाल लैने हो कि मैनू फलाने बंदे नू वेख के पॉजिटिव इंट्यूशनज आ रही हैं, नैगेटिव इंट्यूशनज आ रही हैं, मैनू लगता है बंदा सही नहीं, मैनू लगता है बंदा बहुत सही है, मैनू लगता है बंदा बहुत चलाक है, वो की हुंदियां साडियां इंट्यूशनस। इसे करके दा जवाब की है ऑप्शन ए। जे किते तुसी पंजाबी पढ़ लैंदे तां वी पता लग जाना सी, सूझ बूझ, ठीक है, इहदा जवाब है ऑप्शन ए। हाँ डॉली जी का बिल्कुल सही सीगा, जिन्होंने होर कोई जवाब दिता सीगा उन्होंने पता लग गया। हाँ अ काइंड ऑफ वाइब्स, जिहड़ा असी इनफॉर्मल वर्ड यूज करते हैं वाइब्स, मैनू इस बंदे तो किहड़ियां वाइब्स आ रही ने, पॉजिटिव वाइब्स आ रही ने, मैनू इस बंदे तो किहड़ियां वाइब्स आ रही ने, नैगेटिव वाइब्स आ रही ने, मैनू इस बंदे तो वाइब्स ही नहीं आ रही, फिर उहदियां वाइब्स खराब हो सकदी हैं। चलो समझ आया, वो यार जवाब तो सवार के दया करो, हैंग नहीं होना, हैंग नहीं होना, हो जाता कोई गल नहीं, फिर क्यों हो गया, इतने गलत होगा फिर ही पेपर च सही होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स असी लर्न करते हैं जो साडे कोई चीज़ गलत होंदी है, जे बंदा हमेशा सारिया चीज़ा सही करता रहे तो वह तो परफेक्ट बन जूगा, आइडल बन जूगा, आइडल नहीं बनना। चलो कहते यूनिवर्सल असैस एंड एनरोलमेंट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, कहते सिक्ख्या का हक हरेक बंदे नू मिलना चाहिए, सिक्ख्या का हक हरेक बंदे नू मिलना चाहिए, हर थां इको वर्गा हक मिलना चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव यानी कि यह उद्देश इन्हां चों की दा सीगा, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 NREP, NCRT तो थोनू पता ही है, NREP पता है कि दसा, दिस इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इहदा जवाब की है, सारे जाने ने देना जवाब। दियो दियो जो सारे जाने जवाब, दिस इज नेशनल प्रोग्राम
ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो बच्चे का जवाब की है ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये पॉलिसी आई की थी सरकार वेले सी, इहदा जवाब है ऑप्शन ए जिहड़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई सी 1986। ये एजुकेशन पॉलिसी आई सी की थी सरकार च राजीव गांधी की सरकार सी जी, राजीव गांधी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की थी सी कांग्रेस गवर्नमेंट सी उस समय, राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी की सरकार। ठीक है, करंट पॉलिसी असी केड़ी फॉलो कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, चलते अगे। हाउ डज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द टीचर, कहिंदे विशेष उद्देश अध्यापक दी किवें मदद करदे, किवें मदद करदे दसना तुसी। किवें मदद करते हैं, ऑलमोस्ट सब दा सही है, क्या बात है। दियो जी जवाब। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, इट्स ऑप्शन सी, दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल्सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। इसे करके दा जवाब किया होगा ऑप्शन सी। वेरी गुड बच्चे, क्या बात है, तेरा लाता। आगे चला, कोई रहता नहीं गया जवाब देने तो बिना। न्यू आइडियाज, नवे नवे नाम आ रहे बच्चे जिन्होंने जेडे न्यूली ज्वाइन किए इस लैक्चर नू, वो कृपा करके वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर दें जे उन्होंने लगता है कि वीडियो वधिया है। ठीक है, चलो अगे। कहिंदे वाई इज द सैकेंड लैंग्एज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनीक, बचपन विच दूजी भाषा की प्राप्ति विलक्षण क्यों है। बड़ा सोहना सवाल है यार, ये सवाल भी अज्ज दा इंपोर्टेंट सवाल है। बच्चा जेड़ा बचपन च दूजी भाषा सीखता है कहिंदे वह विलक्षण क्यों है, वक्खरा क्यों है। सर पेपर टू मैथ साइंस का भी होगा बच्चे, नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, दियो इस गल का जवाब। डी सी बी, वाह भी वाह, आ होंगे यह जे सवाल होने चाहिए जिसे वक्रे वक्रे जवाब आ। क्या बात है, बी डी बी डी, हाँ आस्तिक जी बड़े जल्दी नहीं आ गए, असी तुहाडे कहे बिना ही लाइक करता, क्या बात है। चलो देखते हैं,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫਸਟ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੈਨ ਸਪੀਕ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਮੋ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਇਨ ਅ ਨੇਟਿਵ ਲਾਈਕ ਅਟੇਨਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਇਨ ਅ ਨੇਟਿਵ ਲਾਈਕ ਅਟੇਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ। ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫਸਟ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਮੋਸਕੀ, ਓ ਸੋਰੀ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ। ਚਮੋਸਕੀ ਜੀ, ਚਮੋਸਕੀ ਜੀ ਦਾ ਲੈਡ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਨਕੋਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਜ਼ਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ, ਦਾ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ, ਵੇਖਿਓ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
शेयर जी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन से, थोड़ा करिकुलम कह जाए वो जी इनफॉरमेशन ही शेयर की जाऊगी, कोई थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है बट ज्यादा नहीं। फिर आ गया टाइम फॉर लर्निंग, सवेरे पढ़ाया जा रहा है शाम को पढ़ाया जा रहा है ये तो मैटर ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी लर्निंग आउटकम से बड़ा डिपेंड करता है। मैं थोड़े तो सवाल पूछा तुसी जवाब दिता, थोड़ा जवाब गलत हो गया, मैं उन्हें एक्सप्लेन किया थोनू आपकी गलती समझ आ गई, मैं तू बाद ओहे जा सवाल थोड़े तो पूछा तुसी सारे ने सही जवाब दिता, यह होंगी लर्निंग आउटकम। मेरे तो तुसी पढ़े थोड़े सारे का पेपर क्लीयर हो गया, यह होंगी लर्निंग आउटकम। तुसी मेरे तो पढ़े थोनू वह चीज अंदर तक समझ आ गई, तुसी मेरे तो पढ़े तुसी गां थोड़े तो किसी ने पूछा तो तुसी उन्हें चंगी तरह समझा पाए, यह होंगी है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नू सही आइडेंटिफाई करता है यह ऑप्शन, ठीक है जी। मैं तो कहना जेडे स्कूल एजुकेशन होनी लर्निंग आउटकम बेस्ड होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, ता जो स्कूलों च बच्चों पूरे रीझ न पढ़ा जा सके। बिल्कुल सही, सिखाउण दा सीखण दा की नतीजा निकलिया, बिल्कुल सही। चलते अगे, लो जी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई एल टी, दसो जी ई एल टी की फुल फॉर्म की है। ELT सौखा जाए यार, सत श्रीकाल बच्चे जिन्हां दे गलत हो गए दस दस बैठका मारो तो ठीक है, नहीं यार इन्नी सख्त सजा नहीं देनी। वेरी गुड, सारे जाने सी दे रहे जवाब है ना। यार सौखा जाए, हाँ शीतल बच्चे बिल्कुल सही, इट्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। एक्चुअली ई एल टी फुल फॉर्म यूज करते हैं असी इंग्लिश पैडागोजी च। ठीक है, एदा जवाब की ऑप्शन बी, ज्यादा नहीं दिमाग चलाना, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, एदा जवाब की है ऑप्शन बी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। बड़ा सौखा जहा जवाब सी कहदा, कोई गल नहीं पैडागोजी का सवाल है पर जनरलाइज्ड भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, पूछने वाले की केड़ा कोई सीमा है। चलो अगे चलते हैं, कहते द स्टूडेंट्स विल एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज मोर ईजली लाइवली एंड इंट्रस्टिंगली वैन लैंग्वेज इज टॉट यूजिंग द, विद्यार्थियों को भाषा तो वधेरे आसानी नाल जीवंत अते किसे नू जानू करवाया जावे जद निम्नलिखित दी वरतों करके भाषा नू पढ़ाया जांदा है। यानी कि असी किसे भाषा नू बड़े ईजली प्रैक्टिकली बड़े इंट्रस्टिंगली सीख सकते हैं जदों लैंग्वेज नू किवें पढ़ाया जावे किहड़े तरीके नाल पढ़ाया जावे ये दसना। सी एल टी इट्स कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, दियो जी जवाब। हाँ ये भी वक्रे जवाब आवगे, ये भी वक्रे जवाब आवगे। बच्चे कह रहे जदों इन स्ट्रक्चरल यानी कि एक यदि संरचना करके इन पढ़ाया जाए कि भाषा नए पढ़ा है, बच्चे ये चीज़ भाषा तो नहीं चलती, भाषा की स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हुण पंजाबी भाषा सीखनी होवे उहदे लई स्ट्रक्चर बना लैंदे आ भी पंजाबी एवें सिखावे सिखा नहीं सकेंगे सारे। दूजी कहते ट्रांसलेशनल ट्रांसलेट कर करके
नहीं यार इंग्लिश नूं तां शायद ट्रांसलेट कर करके समझा दिए पर जिहड़ी मदर टंग नूं किवें समझावांगे ट्रांसलेट करके ओरल बोल के समझा दिए इंग्लिश तां बोल के भी नहीं समझ आउणी फिर की करांगे तां इहदा जवाब की आऊगा सिचुएशनल असी सिचुएशनल देखांगे हालात कैसे है एक बच्चे नूं सिखाउण लगे जे उहदा लैंग्वेज ते होल्ड वधिया है उह बड़ी ईजी सिख जूगा एक बच्चा जिहदा लैंग्वेज ते होल्ड बड़ा वीक है उहदे लई सानूं बहुत सारे एफर्ट्स करने पैणगे तरीके बदलने पै सकदे है कईआं दा ग्रामर ते होल्ड बड़ा कट हुंदा है उहनां नूं फिर ग्रामर वरत के दिखाउणी पैणी है ठीक है तो प्रैक्टिकैलिटी सिचुएशन हालातां तो बच्चा बहुत वधिया सिखदा है इसे करके इहदा जवाब की आऊगा ऑप्शन ठीक है तां इहदा जवाब की आऊगा ऑप्शन बी ठीक है जी कोई गल अगे चलदा मैं थोड़ा जा फास्ट चलदे आपां अ चाइल्ड हैज बीन बुलीड इन द बस एवरी डे ऑन द वे टू स्कूल नाउ व्हेन ही लर्न्स द साउंड ऑफ एनी बस अप्रोचिंग ही बिगिंस टू पैनिक व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दिस बिहेवियर कहिंदे इक बच्चा आपदी स्कूल बस च जांदा सी रोज उहनूं जवाक तंग करदे सीगे बहुत ज्यादा तंग करदे सीगे उदू बाद उहदे नाल होणा की शुरू हो गया कि जदों भी उह बस दी आवाज़ सुणदा सीगा तां डर जांदा सीगा कहिंदे किहड़ा प्रिंसिपल इस बिहेवियर नूं जताउंदा है दसो जी अज दा इह लास्ट सवाल है करने तां आपां 20 पूरे सीगे पर कोई गल नहीं कल आपां 3 होर ऐड ऑन कर लांगे इहदे नाल कल 3 ऐड ऑन कर लांगे 23 कर लांगे कल दिओ जवाब जल्दी जल्दी बच्चे मजबूती इहदे नाल की आउणी रीएनफोर्समेंट तां हो ही नहीं सकदा हुण उह डरना बंदा मजबूत तां हुण हो रिहा पनिशमेंट सजा नहीं यार इट्स स्टिमुलस जनरेशन स्टिमुलेशन जनरलाइजेशन हुंदा की है ऐसी घड़ी नूं वेख के बंदे नूं ओह आपदा माड़ा समा याद आंदा यानी कि उहदे च इक स्पार्क एक चिंगारी उत्पन्न हो जांदी है जदों भी ओह जे हालातां नूं वेखदा है यानी कि ओह जदों भी बस दी आवाज़ सुणदा है उहदे अंदर की पैदा हो जांदी ओह चिंगारी उहनूं ओह सारे हालात याद आ जांदे ने इसे करके इहदा जवाब की है ऑप्शन सी सी इहदा जी जवाब उहदे अंदर की पैदा हो जांदी है चिंगारी पैदा नहीं बच्चे स्टार्ट होना है कोई भी इनफॉरमेशन लेनी है तुसी इहदे ऑफिशियल नंबर ते कॉल करके इनफॉरमेशन ले सकते ठीक है अज दा इह सैशन तुहाडा किवें रिहा मैनूं जल्दी जल्दी दसना सारे जणे ने जवाब दे के हाँ जनरेट कर रहे हैं ना हुणे मैनूं फीडबैक देनी है सारे जणे ने जिहड़े जिहड़े बच्चियां ने हजे तक वीडियो नूं लाइक ते शेयर नहीं कीता ओह लाइक ते शेयर कर देणगे बाकी सारे ने मैनूं फीडबैक देनी है अज दा सैशन किवें रिहा कल नूं सेम टाइम सेम जगह ते 2 बजे मिलांगे जल्दी जल्दी दिओ फीडबैक बच्चे आपां 2020 वाला मैच खेडना हुंदा है अज 3 बॉलां पहलां छड रहे ने एक्चुअली की है नैक्सट क्लास का टाइम हो गया वैसे भी 10 मिनट्स उपर हो गए ठीक है ये जेडे 3 रह गए आप कल ये पूरे कर लेंगे थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच थोड़ा इन्ना प्यार वेख के बड़ा वधिया लगता है मैं कहना हर रोज़ नालों बच्चे ज़्यादा होने चाहिए अपने इस सैशन च ठीक है तो आपके नीयर डीयर वनज नूं जरूर ऐड कर लिया करो इस सैशन च थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच SST की क्लास विद इन अ फ्यू मिनट स्टार्ट कर दें आई होप तुसी अज दा सैशन बहुत इंजॉय किया होगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बहुत नवी चीज़ें सीखने को मिली होंगी बच्चे थैंक यू फॉर द सैशन गॉड ब्लैस यू थैंक यू